हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल वेजिटेशन पार्ट टू, और उसमें हम डिस्कस करेंगे डेसिडुअस मॉनसून फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट फॉरेस्ट, स्क्रब एंड थॉर्न फॉरेस्ट। पर उससे पहले काइंडली गो एंड सब्सक्राइब टू द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस। और साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम का पेज पे फॉलो करें, ताकि आप हमें डीएम करके अपने जितने भी डाउट्स हैं वो हमें बताएं और हम उसको रेगुलरली आंसर करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं डेसिडुअस मानसून फॉरेस्ट की। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर हमारे डेसिडुअस मानसून फॉरेस्ट का ये है कि ये इंडिया में मोस्टली फाउंड फॉरेस्ट है, मतलब ये इंडिया का सबसे ज़्यादा अकरिंग फॉरेस्ट है। तो अगर ऐसे आया है कि और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, सबसे पहला तो आप लिखेंगे मोस्ट फाउंड फॉरेस्ट इन इंडिया, और दूसरा आप लिखेंगे इट अकर्स इन प्योर स्टैंड। जैसे हमने पढ़ा था कि एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है वो मिक्स स्टैंड में होता है, पर ये प्योर स्टैंड में होता है। मैं आपको फिर समझाती हूँ स्टैंड का मतलब। अगर ये एक एरिया है और इसमें अगर आप मान लीजिए हमारे जो इसके डेसिडुअस फॉरेस्ट का साल ट्री है, तो ये पूरे एरिया में साल ट्री ही मिलेगा। ये नहीं कि आपको कहीं साल मिल रहा है तो कहीं टीक मिल गया तो कहीं सैंडलवुड, नहीं, पूरे में आपको साल ट्री ही मिलेगा। तो इसका मतलब होता है प्योर स्टैंड में मिलते हैं ये वाले जितने भी फॉरेस्ट होते हैं। और साथ ही साथ ये क्या है, मोस्ट फाउंड फॉरेस्ट इन इंडिया। इसके ये इंपॉर्टेंट फीचर है, ये अच्छे से आप एक बार याद कर लीजिए, 2 मार्क्स में डेफिनेटली आ जाता है, नॉर्मली पूछ लेते हैं। उसका आता है टेम्परेचर की बात करें तो, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे ये फॉरेस्ट अकर होते हैं या फाउंड होते हैं, और जो इन्हें एवरेज रेनफॉल चाहिए होती है वो आपकी नॉर्मली होती है 150 से लेके 200 सेंटीमीटर तक क्लाइमेट, या फिर आप लिख सकते हैं नॉर्मल रेनफॉल। तो आपकी क्या हो गई, 150 से लेकर 200 तक। और जो अगर हम एरिया की बात करें तो इसका एरिया नॉर्मली आपका जो होएगा वो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्लोप्स होएगा, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं अगर आप स्पेसिफिक बात करें तो, अगर आप स्टेट्स में आएंगे तो ये होएगा बिहार में एंड यूपी में, अगर आप चाहें तो उड़ीसा भी लिख सकते हैं। अब हम लोग इसमें मेनली बात करते हैं इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इसके फीचर्स ये हैं कि ये एवरग्रीन की तरह पूरे साल लीफ शेड नहीं करते, ये शेड करते हैं 6 to 8 वीक्स स्प्रिंग में, स्प्रिंग या फिर आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं मार्च और अप्रैल में। और साथ ही साथ ये इतना मॉइस्चर तभी लीव शेड करते हैं जब मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होता है तभी, और आपको पता है अप्रैल वाला में जैसी गर्मी शुरू हो जाती है इसलिए ये अपनी लीव शेड कर देते हैं, ताकि इन्हें ज़्यादा मॉइस्चर, ज़्यादा पानी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि उसके बाद गर्मियों में वैसे इनके पास पानी कम हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो ट्रीज होते हैं नॉर्मली ये जाने जाते हैं अपने टिम्बर के लिए, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फॉर टिम्बर, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज भी और इनका फीचर भी है कि अगर टिम्बर के लिए ही ये जाने जाते हैं। और ये जैसे हमने बात करी है एवरग्रीन फॉरेस्ट से, मगर इसको कंपेयर करें तो ये काफी ज्यादा लार्जर एरिया ऑक्यूपाई करते हैं एज कम्पेयर टू द एवरग्रीन फॉरेस्ट। और साथ ही साथ ये टिम्बर के लिए जाने जाते हैं तो ये नॉन पेनरेबल होते हैं, मतलब इनको हम मतलब ये आराम से पेनिट्रेट या फिर इसको हम लोग एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, या हम लोग सकते हैं दे आर इजिली एक्सप्लॉयटेड, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉन पेनरेट या फिर इजिली एक्सप्लॉयट कर सकते हैं हम इन्हें, आप उसका एक्सप्लॉयट लिख सकते हैं, यहाँ पे गलती हो गई, दे आर इजिली एक्सप्लॉयटेड। साथ ही साथ ये डेंस नहीं होते तभी हम लोग इनको इजिली एक्सप्लॉयट कर लेते हैं और ये पेनिट्रेट कर लेते हैं हम लोग इजिली इन्हें। अब हम लोग बात करते हैं कि इनकी कौन कौन से टाइप हैं। तो अगर हम पहली बात करें तो आता है टीक। टीक एक यूनिवर्सल वुड होती है जिससे हम क्या बनाते हैं, फर्नीचर। तो इसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका यूज क्या रहेगा, आपका फर्नीचर के लिए। सेकेंडली हम लोग अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में मतलब डोर्स के लिए और विंडोज के लिए, ठीक है। और अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि वाई टीक फीचर फर्नीचर इज यूज मोर यूनिवर्सली, मतलब ये टीक का ही हम लोग हमेशा क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पहला रीजन इसका ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है, हम लोग इसका पहला रीजन लिखेंगे वन, क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं रेजिस्ट कर लेते हैं वाइट एंट्स को, मतलब दीमक नहीं लगने देते, इसलिए हम इनको ज्यादा यूज करते हैं। दूसरा रीजन इसका क्या रहेगा, ये जो रस्ट नहीं होते, आयरन नेल्स इस पे रस्ट नहीं होते और एरोड नहीं होते, मतलब इसमें सॉलिड रहते हैं, इसके लिए हम लोग इंडिया में सबसे ज्यादा टीक यूज करते हैं, या यूनिवर्सली टीक सबसे ज्यादा यूज हुआ जाता है, क्योंकि इनमें आयरन वाला रस्ट नहीं होता और दूसरा वाइट आन से रेजिस्ट करते हैं। और उसके बाद जब ये इरोड वाला नहीं होते तो डेफिनेटली जब आपके नेल्स सॉलिड रहेंगे और वो टूटेंगे नहीं। अब हम लोग बात करते हैं ये कहाँ पे फाउंड का होते हैं, तो अगर आप ढूंढना जाएं तो फिर ये आपको मिलेंगे आसाम में, आसाम हो गया,
आपका बिहार हो गया एंड तमिलनाडु, ये फेमस प्लेसेस हैं फॉर टीक। अब हम लोग बात करते हैं साल की। साल भी सेम टीक की तरह होता है, हार्ड होता है एंड दे रेजिस्ट वाइट आंट्स। सेम फीचर्स हैं इनके भी, टीक और साल के, वाइट आंट्स रेजिस्ट करते हैं। सेकेंड, ये भी एक क्या है, प्योर स्टैंड्स में अकर करते हैं, दे अकर इन प्योर स्टैंड्स। उसके बाद दे आर यूज फॉर मेकिंग रेलवे स्लीपर्स, स्लीपर्स में यूज होते हैं और हाउस में यूज होते हैं, हाउस बिल्डिंग मटेरियल्स, बट नॉट फॉर फर्नीचर। हाउस बिल्डिंग मटेरियल्स मैंने आपको कौन कौन से बताए, डोर्स एंड विंडोज, पर आप फर्नीचर के लिए इन्हें यूज नहीं करेंगे, नॉट फॉर फर्नीचर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ये मिलेंगे काम। अगर हम बात करें तो इसमें नॉर्मली हर जगह आपको बिहार इज अ कॉमन स्टेट, बिहार हो गया और यूपी हो गया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे सैंडलवुड की। सैंडलवुड इज ऑल्सो वेरी इकोनॉमिकल, ये हमारे लिए यूज होता है हैंडीक्राफ्ट के लिए और साथ ही साथ इसको आप कर सकते हैं कार्विंग के लिए। जितनी भी मतलब आपकी कार्विंग होती है फॉर मॉन्यूमेंट्स वाला की पिक्स बनाने के लिए, उसके लिए यूज होता है। और इट इज ऑल्सो यूज फॉर परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स, ये आपका सेकेंड यूज हो सकता है। ये किसके लिए यूज होगा, परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं कहाँ मिलेगा। इट इज नॉर्मली फाउंड इन एक ही जगह है, इसको आप स्पेसिफिक याद करेंगे, कर्नाटका। अब हम बात करते हैं सैम्यूल की। ये मिलता है, ये होता है वेरी सॉफ्ट एंड वाइट, साथ ही साथ ये बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसकी वजह से ये मैस्टिक, मैच बॉक्स या फिर टॉयज के लिए एंड इन पैकिंग केसेस, मतलब छोटे छोटे जो पैक्स आते हैं आपके वुडन के, उसके लिए आपको यूज होएगा। और अब हम लोग बात करेंगे ये कहाँ मिलता है। नॉर्मली ये भी बिहार में एंड यूपी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट वेजिटेशन। डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट वेजिटेशन के बारे में हम लोग ये बात करेंगे कि इसका टेम्परेचर क्या रहेगा और साथ ही साथ आपको इसमें क्या रेनफॉल मिलती है। आपका टेम्परेचर रहेगा 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल हम लोग उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर हमें डेजर्ट की बात कर रहे हैं तो इसकी जो रेनफॉल रहेगी वो 25 रहेगी, अगर प्रॉपर डेजर्ट होएगा तो, मतलब जहाँ पे भी लेस देन 25 सेंटीमीटर रेन होगी वहाँ पे प्रॉपर डेजर्ट वेजिटेशन होगी। और अगर जहाँ पे भी सेमी डेजर्ट की बात करें तो सेमी डेजर्ट के हमें वेजिटेशन वहाँ मिलेगी जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी, वहाँ पे आपको सेमी डेजर्ट और डेजर्ट के लिए 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हम बात करते हैं कहाँ मिलेगा। एरियाज फाउंड राजस्थान, साउथ वेस्ट पंजाब। और इनकी बात करें तो हम लोग इनके जो फीचर्स हैं, ये जीरो फाइट्स होते हैं। जीरो फाइट्स मतलब जिनकी कोई लीव्स नहीं होती, या जो लीव्स होते हैं दे आर एक्सट्रीमली थिन। तो हम लोग जीरो फाइट्स को क्या डिफाइन करेंगे, द प्लांट्स दैट हैव नो लीव्स और वेरी थिन लीव्स, ये इनके फीचर्स हैं। तो अगर आप जीरो फाइट्स हम लोग बताएंगे, द प्लांट्स दैट ग्रो इन दिस टाइप ऑफ वेजिटेशंस आर नोन एज जीरो फाइट्स, दैट इज दे हैव वेरी थिन लीव्स और नो लीव्स। क्यों, क्योंकि इनको अपनी एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करना होता है। एक्सट्रीम कंडीशंस मतलब ड्राई कंडीशंस को सर्वाइव करने के लिए दे आर नोन एज जीरो फाइट्स, तभी इनके पास कोई लीव्स नहीं होती। लीव्स आर स्टेम्स जो हमारी होती हैं वो किससे रिप्लेस होती हैं, बाय शार्प स्पाइन्स या फिर थॉर्न से। ये इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि इनकी जो ड्राई कंडीशंस होती हैं, तो टू मिनिमाइज वाटर लॉस, तो जो लीव्स और स्टेम्स होती है किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं या किससे कवर्ड होती हैं, स्पाइन्स और थॉर्न से, ताकि मिनिमम से मिनिमम वाटर इवेपोरेट होए। और साथ ही साथ इन प्लांट्स की लॉन्ग रूट्स होती है, लॉन्ग रूट्स इसलिए होती हैं ताकि ये वाटर ड्रॉ कर सके जब रेनफॉल भी बहुत कम हो। वाटर कहाँ से ड्रॉ करें, फ्रॉम द अर्थ एट एक्सट्रीमली लेस रेनफॉल, एक्सट्रीमली लेस रेनफॉल कंडीशंस, मतलब जब रेनफॉल बिल्कुल ना के बराबर या हो भी ना, तो उसमें हम लोग क्या बात करते हैं कि वहाँ पे लॉन्ग रूट्स होती हैं। तो इन शॉर्ट इन डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट टाइप वेजिटेशन के फीचर्स क्या रहेंगे, ये जीरो फाइट्स होते हैं, नो लीव्स और वेरी थिन लीव्स बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव इन ड्राई कंडीशंस, और इनकी जो स्टेम्स एंड लीव्स आर कवर्ड बाय शार्प स्पाइन्स और थॉर्न्स बिकॉज दे हैव टू मिनिमाइज द वाटर लॉस, और लॉन्ग रूट्स ताकि ये क्या कर पाए, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द अर्थ व्हेन देयर इज नो रेनफॉल और रेनफॉल इज वेरी स्केरी।
अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप की। इसका एक ही टाइप होता है बबूल प्लांट, और इसके लिए हम लोग ये बात, अगर इसको हम डिफाइंस के फीचर्स बताएंगे तो हम लोग क्या बताएंगे, ये स्ट्रांग होता है, टफ होता है, और साथ ही साथ इसकी बहुत वुड होती है, हार्ड वुड होती है, हार्ड वुड। और ये किसके लिए यूज होता है, फ्यूल मतलब बर्निंग वाला के लिए, बाय द लोकल एरियाज, एरिया के जो लोकल पीपल होते हैं वो यूज करते हैं इसे एज अ फ्यूल। सेकेंडली हम लोग इससे गम निकालते हैं, गम के लिए काफी यूज होएगा बबूल हमारा इधर गम। और ये जो मटेरियल होता है वो हमें टैनिंग मतलब एनिमल्स की स्किन वाला निकालने के लिए काम आता है, हाइड्स एंड स्किन। ओके, और अब हम लोग बात करते हैं स्क्रब एंड थॉर्न फॉरेस्ट की। स्क्रब एंड थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में हम बात करेंगे तो ये जो फॉरेस्ट है ये वहाँ टेम्परेचर पे सर्वाइव होगा जहाँ पे आपका टेम्परेचर रहेगा 25 से 30 डिग्री तक, और साथ ही साथ जो आपको रेनफॉल होगी वो होगी लेस देन 100 सेंटीमीटर। ओके, और द एरियाज आर राजस्थान, वेस्टर्न हरियाणा, और अगर हम चाहें तो कच्छ एंड द वेस्टर्न पंजाब भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम लोग बात करेंगे अगर इनकी वेजिटेशन या फिर इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, तो फिर ये लो स्क्रब एंड स्टंट ट्रीज होते हैं, मतलब बहुत शॉर्ट हाइटेड होते हैं। जैसे मतलब आपने देखा होगा जैसे जहाँ पे जिराफ एनिमल्स आपके इधर डियर वाला रहते हैं, हिरन वाला, वहाँ पे जो बिल्कुल मतलब नॉर्मल घास होती है नॉर्मल हाइट की, जैसे मैंने आपको अब लास्ट टाइम दिखाया था लास्ट वीडियो में, जिनकी 10 मीटर तक की हाइट होती है उन्हें लो स्क्रब और स्टंट ट्रीज कहते हैं। और इनकी लॉन्ग रूट्स होती हैं और थॉर्न्स होते हैं, ये इनके एक ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। और अगर बात करें हम लोग इसकी स्पीसीज की, तो फिर ये खैर इज यूज फॉर टिम्बर, या फिर इसका टिम्बर के लिए यूज होता है, और या फिर कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए। कंस्ट्रक्शन पर्पज कैन बी फॉर हाउस और फॉर रेलवे स्लीपर्स, तो आप खाली कंस्ट्रक्शन पर्पज लिख सकते हैं। साथ ही साथ मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग मेकिंग डाइस फॉर टैनिंग। ओके, और वाइल्ड डेट्स इसके जो खजूर हैं आर एक्सट्रीमली पॉपुलर बिटवीन अस फॉर ईटिंग। ओके, और अब हमने ये बात करी है, जो अभी हमने बात करी थी वो हमने मॉनसूनल टाइप फीचर्स की बात करी थी। अब हम लोग बात करेंगे रिलीफ फीचर्स के ऊपर। हमने अभी जो हमने कवर करा था आपका डेसिडुअस हो गया, टॉपिकल वाला हो गया, ये सब आपके कौन से फीचर्स थे, ये आपके फीचर्स थे रेनफॉल के ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे रिलीफ के ऊपर मतलब जो उनके एरियाज हैं उसके ऊपर कैसे माउंटेन कैसे कैसे टाइप के आपको वेजिटेशन मिलेंगे। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द वेजिटेशन ऑफ रिलीफ मतलब फॉरेस्ट कैसे फाउंड होंगे ऑन वेरिएशन ऑफ रिलीफ, और उसमें हम लोग बात करेंगे माउंटेन्स फॉरेस्ट की, मिक्स फॉरेस्ट की, मैनग्रोव फॉरेस्ट की। तो और इस वीडियो में आपको जो भी था मैंने बेसिक पॉइंट्स, जो जो आपके पॉइंट्स आते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चंस, 3 मार्क्स क्वेश्चंस, या फिर रीजनिंग क्वेश्चंस, या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपसे जो पूछे जाते हैं चार चार तीन तीन मार्क के, वो मैंने आपको सब इसमें डिस्कस कर दिए हैं। अगर ये वीडियो इज सफिशियंट फॉर यू टू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियोज विद योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक द वीडियो। योर इनपुट्स एंड कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी।